छपरा जहरीली शराब कांड में लगातार मौतों की संख्या बढ़ती जा रही है और साथ ही साथ सियासत भी बढ़ रही है। वहीं एनएचओआरसी ने कहा है कि उनकी टीम बिहार आएगी और मामले की जांच करेगी। उसको लेकर कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद्र मिश्रा ने एनएचआरसी की निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर दिए हैं और कहा है कि छपरा जहरीली शराब कांड में जो मौतें हुई है उसकी जाँच के लिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को कहा है वो बिहार जाए और जांच करे। हम किसी भी जांच एजेंसी की जांच को लेकर इतराज नहीं जता रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का ये जानना चाहती है कि एनएचओआरसी का काम है मानवाधिकार के उल्लंघन की जांच करना। क्या बिहार के छपरा में जहरीली शराब पीने से जो मौतें हुई है वो मानव के अधिकार का उल्लंघन है? क्या अगर उल्लंघन हुआ तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, अन्य राज्यों में भी जहरीली शराब पीने से मौत हुई है तो उसकी जांच क्यों नहीं कर रही है? ऐसा लग रहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अब उस होड़ में अपने आप को शामिल करना चाहती है जहाँ केंद्रीय एजेंसियाँ केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी के निर्देश पर काम कर रही है। छपरा जहरीली शराब कांड में जो मौतें हुई और उसकी जांच के लिए केंद्र सरकार ने एनएचआरसी को कहा है कि वो बिहार जाए और जांच करे। हमें किसी भी जांच एजेंसी के जांच को लेकर एतराज नहीं है, लेकिन कांग्रेस यह जानना चाहती है कि एनएचआरसी का काम है ह्यूमन राइट के वायोलेशन का जांच करना। क्या बिहार के छपरा में जहरीली शराब पीने से जो मौत हुई है उस पर ह्यूमन राइट का वायोलेशन हुआ है? अगर ऐसा वायलेशन हुआ है तो एनएचआरसी हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, अन्य राज्यों में भी इस तरह की मौत हुई है जहरीली शराब पीने से, तो उसकी जांच क्यों नहीं की? ऐसा लगता है कि एनएचआरसी भी अब उस होर में अपने आप को शामिल करना चाहती है कि केंद्रीय एजेंसियां केंद्र सरकार और मोदी सरकार मोदी जी के ही निर्देश पर काम करेगी। कांग्रेस यह जब ये जानना चाहती है कि जब बिहार में शराबबंदी कानून लागू है तो इसका मतलब है कि शराब पीना या जहरीली शराब पीना